मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक। नूह जिले का एक टोल प्लाजा हटाने समेत लिए गए कई अहम फैसले। दुनिया भर में मनाया जा रहा पृथ्वी दिवस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई, बोले आओ कदम बढ़ाएं, धरती को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाएं। हरियाणा के गृह मंत्री ने रिलीज का दावा, राज्य में बेड और ऑक्सीजन की नहीं है कमी, बेड्स के लिए जल्द बनेगा ऑनलाइन पोर्टल। हरियाणा में कोरोना संक्रमण से हालात होने लगे हैं बेकाबू, 24 घंटे में मिले 9,623 मरीज, ऑक्सीजन की खपत भी डेढ़ गुना बढ़ी। हरियाणा में सामने आया कोरोना वैक्सीन चोरी होने का मामला, जिनमें 1,270 कोविशील्ड और 440 को वैक्सीन की डोज ले गए चोर, सेंटर का ताला तोड़कर दवाई और कुछ फाइलें भी चुराई। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें कई अहम विषयों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर और एक बार फिर से बने चुनौतीपूर्ण माहौल के साथ साथ इस बैठक में तमाम फैसलों पर मोहर भी लगी। इस नए वर्ष की एक्साइज पॉलिसी, उसके ऊपर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मोर और लेस जो पिछले बार की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, उसी प्रकार से छोटे मोटे जो सुझाव थे वो उन्होंने किए हैं। फिर भी उसका डिटेल्ड प्रेस नोट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। ये जो पॉलिसी है इस बार 20 मई से लागू होगी, वैसे तो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में थोड़ा पीरियड जीरो पीरियड था, तो उस जीरो पीरियड के हिसाब से इस वर्ष को 19 मई तक बढ़ा दिया गया 20 मई से, और अगला 19 मई तक एक साल के लिए पॉलिसी रहेगी। इसी प्रकार टारगेट है कोई 8-10% का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी का, और नेचुरल तरीके से जितना होता है वही होगा। रेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़े बहुत चीजों का अंतर लाए हैं, इतना है कि जो कोविड सेस हमने पिछली बार लगाया था इस वर्ष में वो इस वर्ष तक ही रहेगा, अगले वर्ष में वो कोविड सेस नहीं रहेगा। नूह जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगल हेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर, एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक, उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो ऐसी टोल को हम चालू नहीं रखते हैं, तो उसकी लगभग 60 लाख रुपया ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से लिया गया है, सभी अर्बन लोकल बॉडीज के एरियाज में ऐसी प्रॉपर्टीज, खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात सन 2000 से पहले इन्होंने ली हुई थी, उनके किराए लीज रेट ये सब चल रहे थे, ऐसे सबके लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है उस एरिया का, जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेकर 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं। पीजीटी टीचर्स अंग्रेजी के, जिनकी पिछले दिनों में एक भर्ती हमने रद्द भी की है, जो पिछले 5 साल से कोर्ट में लिटिगेशन के कारण से चल रही थी, केवल सब्जेक्ट के नाम से इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश इलेक्टिव, ये एक विवाद बना हुआ था,
तो कई यूनिवर्सिटी से भी परामर्श लिया और बाकी सब जगह से भी परामर्श लेने के बाद ये ध्यान में आया कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही लेवल कर देते हैं सबका, चाहे वो इलेक्टिव है, चाहे वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑनर्स है, या एक नया आ गया इंग्लिश कोर, तो इंग्लिश कोर भी नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है, तो चारों को बराबर करके और उसमें से कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट उसके पास, यानी इंग्लिश की पास करने का उसका जो डिग्री होगी उस हिसाब से सभी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस हिसाब से नया इंग्लिश के जो टीचर्स का टीजीटी का और वो एडवर्टाइजमेंट करके और ये भर्ती कर ली जाएगी। जो जिस मटेरियल की आज आवश्यकता है, मानो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, मानो गैस सिलेंडर बनाने की बात है उसकी आवश्यकता है, या कहीं गैस का जो इक्विपमेंट है जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है, कोई भी कोविड के रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट मेडिसिन या कोई जिसके पास अपने कैपिटल की कमी पड़ रही है, नया प्रोजेक्ट उसको लगाना है, तो वो लगाने के लिए इस पैसे से बैंकों से बात होगी, बैंक तुरंत पैसा देंगे और उसकी गारंटी जो है सरकार की रहेगी 500 करोड़ तक। ये हम हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में कल यानी कि 23 अप्रैल 2021 से दुकानें शाम 6 बजे बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने सभी गैर जरूरी समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है कि हरियाणा में कल शाम 6 बजे से सभी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी और सभी गैर जरूरी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी कार्य को करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। रहे हैं और बढ़ते संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है सरकार, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती किसी भी कीमत पर, तो इसलिए सख्ती जो है वो बढ़ाई जाएगी और जो कोरोना नियम है उनको पालन करवाने के लिए ये सख्तियां जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। और अब एक और ये फैसला लिया गया है क्योंकि नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू किया गया है और अब शाम को 6 बजे के बाद कोई भी दुकान हरियाणा में नहीं खुली रहेगी, इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है और अगर किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम करना है तो वो किया जा सकता है लेकिन एसडीएम को उसके बारे में जानकारी देनी होगी। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर के कई राज्यों में भले ही दवाओं और ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, लेकिन हरियाणा में ना तो दवाओं की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की कमी है। ये दावा किया है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जनता को निश्चित रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ निजी अस्पतालों की जगह नागरिक अस्पतालों पर भरोसा करने का आह्वान भी किया है। विज ने यह कहा है कि वो किसी भी सूरत में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन सख्ती बढ़ाई जाएगी। और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर भी अनिल विज ने पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी अपने बयानों से देश में नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को बेड्स की कमी की, ऑक्सीजन की कमी की या दवाइयों की कमी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इसकी चिंता कर रही है और सारी व्यवस्था कर रखी है। सर, आपको नहीं लगता कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं धक्के खाते हैं बेड्स के लिए? कोई ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जहाँ से लोग? नहीं, ऑनलाइन पोर्टल है, जल्दी फंक्शनल हो जाएगा और सबको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा बेड है। लोग जो परेशान हो रहे हैं, लोग जो बड़े अस्पताल हैं सारे उनमें जाना चाहते हैं, अब उनकी अपनी क्षमता है, इसलिए दिक्कत आ रही है। हमारे पास, हमारे सिविल अस्पतालों में कहीं पर कोई बेड्स की कमी नहीं है। इंजेक्शन को लेकर भी जो है कहीं नहीं, हमारे पास सफिशेंट कोटा है रेमडेसिविर का लगाने के लिए। यानी कि लोग जो है सरकारी अस्पतालों में विश्वास रखते हैं, सारी नहीं, सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का स्टैंडर्ड उनको अलाउ नहीं करता है, तो वो चाहते हैं कि बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाएं, उनकी सीमा है। देखिए, हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं। हम लोगों से कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाना चाहते हैं। अगर केस बढ़ेंगे तो सख्तियां और बढ़ाती जाएंगी। देखिए, हमारे देश का रिकवरी रेट भी बाकी देशों से बेटर है और मृत्यु दर भी बाकी देशों से बेटर है। राहुल गांधी तो बेवजह इस आपदा के समय में लोगों का दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पृथ्वी दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि आओ कदम बढ़ाएं, धरती को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाएं। पृथ्वी दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आइए मिलकर के इस धरा के संरक्षण का प्रण लें और तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित, सुंदर और प्रदूषण मुक्त धरती दे सकते हैं। बता दें कि कोरोना काल के पहले साल के दौरान एक अच्छी और राहत भरी खबर ये देखने को मिली कि हम चाहें तो अपनी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए बचा करके रख सकते हैं, लेकिन संसाधनों के लालच में प्रकृति को अनजाने ही सही लेकिन बहुत नुकसान पहुँचता है। यही वजह है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है और इसलिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जागरूकता पैदा करने और धरती को बचाने के संकल्प के साथ हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खाद्य पदार्थों पर बढ़ रहे दामों को लेकर के सरकार पर हमला बोला है। कुमारी सैलजा ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे समय में जमाखोरी के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें 20-30% बढ़ जाना प्रदेशवासियों की मुसीबत बढ़ाने वाला है। कब तक हरियाणा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई एयरटेल फेसबुक पेज इंस्टाग्राम जियो टीवी गूगल प्ले यूट्यूब और एप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा के स्वास्थ्य में सुधार आ गया है और दोनों की रिकवरी रिपोर्ट से डॉक्टर्स भी संतुष्ट हैं। बता दें कि हुड्डा ने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की है और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि आपसी सहयोग और सावधानी से कोरोना का खात्मा संभव है। हरियाणा में कोरोना अब कोहराम मचाने लगा है और रामनवमी पर बुधवार को प्रदेश में 9,623 लोग महामारी की चपेट में आ गए। इस दौरान 45 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 3,928 मरीज कोरोना से पार पाने में सफल रहे। फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पंचकुला और जींद में 5-5, भिवानी, करनाल और गुरुग्राम में 4-4, फतेहाबाद में 3, अम्बाला में 2 और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और नुहू में 1-1 मरीज की मौत हुई है। हरियाणा में अब तक महामारी से 3,528 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2,351 पुरुष, 1,176 महिलाएं शामिल हैं। और हरियाणा में एक्टिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, 55,422 पर यह पहुंच गया है और इनमें से 1,389 लोगों की हालत जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी कई राज्यों में तनातनी बढ़ रही है। राजस्थान के भिवाड़ी और झुंझुनू के बाद हिमाचल के बद्दी से भी हरियाणा की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया गया है। राजस्थान से गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और हिमाचल से पंचकुला, अम्बाला की सप्लाई प्रभावित हुई है। गुड़गांव को फरीदाबाद ने ऑक्सीजन देने से हाथ खींच लिए है। हरियाणा के यमुनानगर में इन दिनों लोगों को जो सरकारी डिपो से आटा मिल रहा है, उस आटे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के लिए सस्ता मिलने वाला आटा परेशानी का कारण बन रहा है। डिपो से लोग सस्ता आटा लेने के चक्कर में बीमारियों को अपने घर पर लाने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि महिलाओं ने आटा हाथ में लेकर के सरकार की इस आटा स्कीम का विरोध किया है। यमुनानगर की हमीदा कॉलोनी की महिलाओं ने हाथों में आटे की थालियाँ और आटे के बैग लिए और सड़कों पर उतर करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और इसमें बहुत ज्यादा चोकर है
और इसमें इस बार कीड़े निकल रहे हैं, मतलब पहले कीड़े नहीं निकलते थे, इस बार से कीड़े भी हैं इसमें, जिसे खाने के बाद मैं खुद भी मार रही हूँ डेढ़ महीना। मैं तो अपने डिपो वाले पे गई थी, वो कह रहा मैडम जैसा आटा पीछे से आएगा हम तो ऐसे ही देंगे, सील बंद आटा दिया उन्होंने, तो कह रहे पीछे मतलब डीसी के पास जाने को बोला डिप्टी कमिश्नर के, हम लॉकडाउन की वजह से वहाँ नहीं गए सर, आटा बस काला है, बहुत ज्यादा चोकर है और इसमें कीड़े हैं, गूंद के रखो आटा 5 मिनट में काला हो जाता है। नहीं ना विश्वास, तो खुद बना के भी देख सकते हो, इसमें काला आटा आ रहा है, पूरे 6 महीने से आटा आ रहा है, हम बर्दाश्त कर ही जा रहे हैं, यहाँ एक रोटी दो खानी है, कोई एक ही खाता है, और पकाते सारी सूख जाती रोटी, काली सा रोटी, और लोगों के इन्फेक्शन पेट में हो रहे, बाहर हो रहे, लोगों का घर घर टाइफाइड हो गया इसके साथ, इसमें दिक्कत यही है कि रोटी चजकी नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी दिक्कत आ रही है। कोरोना के कहर के बीच हरियाणा में कोरोना वैक्सीन चोरी होने का पहला मामला भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के जींद में ऐसा पहला मामला सामने आया, सरकारी अस्पताल के पास बने सेंटर से कोरोना वैक्सीन चोरी हुई है। जानकारी के मुताबिक चोर कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज चोरी करके ले गए, और जींद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन रखने का मुख्य सेंटर है, वहीं परिसर में एक पीपी सेंटर भी है, इसमें भी कोरोना की वैक्सीन को रखा गया था और यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज रखी गई थी। जींद के स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा ने यह बताया कि रात के समय किसी ने पीपी सेंटर का ताला तोड़ करके वैक्सीन चोरी की है। रामेर बाबूजी हैं कि यहाँ ताले टूटे हुए हैं, कुछ सामान चोरी हो गया है। मैं लगभग 10-10 बजे तक यही था, ऊपर वार्ड में राउंड करने के बाद मैं निकला था, यही से रस्ते से गया था, तो तब तक यहाँ कोई हलचल नहीं थी। अमूमन अगर जो मैं पता लगाया कि 12:44 के आसपास कुछ लोग घुसे हैं, जो फुटेज में आए हैं हमारे, और हमने डीजी साहब, अभी आपने देखा डीजी साहब आए थे, डीएसपी साहब पहले से बैठे हैं सवेरे से, और जो प्रथम दृष्टि में हमें लग रहा है कि वो लोग वैक्सीन उठाने नहीं आए थे, वैक्सीन उठाने होती तो हमारे पास जो मेन स्टोर है वहाँ से वैक्सीन चोरी करते हैं, जहाँ काफ़ी संख्या में वैक्सीन रखी होती है हमारे पास, हालांकि वहाँ वैक्सीन नहीं है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं है हमारे पास एक्चुअली क्या स्टॉक है। ये रूटीन की वैक्सीनेशन थी, जो रूटीन में हमारी वैक्सीन बचती है वो पीपी सेंटर में रखते हैं हम, तो वो मुझे लगता है कि वो कुछ और सामान चोरी करने आए थे, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, और वो गलती से डब्बे उठा के ले गए, वो जैसे और ये जैसे ही उठा के ले गए वो फिर से बाहर निकली, तो वो एक घंटे बाद वो किसी काम की नहीं है, अगर वो किसी को लगती भी है तो उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। वैक्सीन चोरी हुई है, इसमें कुछ फुटेज आई है, वो यहाँ पूरी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से पता चला है फुटेज से कि भाई दो लड़के करीब करीब 1:45 बजे आते हैं, और फिर 1 बजे के बाद वो कुल 20-25 मिनट में यहाँ से निकल के जाते हैं, और वैक्सीन यहाँ सिविल हॉस्पिटल से ज़रूर चोरी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं फुटेज, कोई साफ पिक्चर आती है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बात को ये सॉर्ट आउट होगा। ये आप सबको पता है कि ये 1 घंटा भी अगर बाहर रखी जाएगी तो किसी भी काम के लिए ये किसी के काम नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट उसमें देखने से कि ये किसी ने किसी जानकार का लगता है कि भाई इस विषय को वो जानता है कि मैं इसको। हरियाणा के रेवाड़ी से एक जवान ने राहत और बचाव कार्यों के दौरान अपनी जान की परवाह नहीं की और देश सेवा की खातिर अपना बलिदान दे दिया। बावल के गांव बेदावास का रहने वाला 34 वर्षीय जवान दलीप सिंह ढिल्लन भारतीय सेना के सीमा सड़क संगठन इकाई के साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ था, लेकिन अचानक से पहाड़ी खिसकने से 20 अप्रैल को दोपहर बाद वो शहीद हो गए, और शहीद के 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। आज शहीद दिलीप का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा। पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा तो देशभक्ति के नारे लगाने के लिए जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा और शहीद को अंतिम विदाई दी गई। वो सर मेरे चाचा का लड़का है, तो फोन आया था अभी कहीं मतलब जम्मू से कटरा के बीच में कोई जगह है जहाँ रोड पे स्लाइडिंग हुई थी कुछ, ये उसको हटाने के लिए मतलब रास्ता खोलने के लिए गया था, तो दो आदमी थे जैसे उन्होंने बताया ये जेसीबी से पत्थर हटा रहा था, और वो फिर स्लाइडिंग दोबारा हो गई, उन्होंने इसे चेतावनी दी विशेष विशेष को बजाई, ये उसे निकला भी कोशिश करी इसने मतलब, लेकिन ज़्यादा स्लाइडिंग हो गई तो वही पत्थर निकल गया। दलीप जी के कितने बच्चे हैं जी? एक लड़का है जी 8 साल का लड़की, और एक लड़का है 3 साल। ये जो शहीद हुआ है इसका दिलीप कुमार,
ये सर मशीन चलाते हुए जिस टून रेड चलाते हुए अचानक स्लाइड आने से उसके नीचे दबने से इसका शहीद हो गए सर। सर आपको आपकी पता चला ये सर? हमको उसी के साथ में हमारा एक जेई होता है जेसीओ रैंक का, वो उसी के साथ था, उसने तुरंत एक्शन ले लिया और इस दलीप उस्ताद को आधे घंटे में हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया सर। दस ये घटना किस दिन की है? ये घटना है सर 20 अगस्त की, 20 तारीख की सर। उसके बाद डेड बॉडी को आज बीदास गांव में लाया गया है, तो बटालियन से कौन कौन आए थे? हरियाणा चौपाल में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।